बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है और अब मौका है जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम राज्य सरकार के विवाह महोत्सव का। यह महोत्सव हर वर्ष 3 दिवस तक बड़ी ही धूमधाम राशि परंपरा और बुंदेली संस्कृति के साथ मनाया जाता है। पहले दिन भगवान राम दूल्हा बनते हैं और उन्हें बुंदेली रीति रिवाजों के अनुसार पहले दिन गणेश पूजन के साथ भगवान को तेल व हल्दी चढ़ाई जाती है। दूसरे दिन भगवान का मंडप सजाया जाता है और बुंदेली परंपरा के अनुसार भगवान के मंडप के नीचे महाभोज का आयोजन किया जाता है। तीसरे दिन भगवान दूल्हा बनते हैं और उनकी बारात पूरे राजसी ठाट-बाट के साथ नगर में भ्रमण करती है, जहाँ नगरवासी भगवान का अपने अपने घरों के दरवाजों पर भव्य स्वागत करते हैं। उसके बाद भगवान की बारात जानकी मंदिर पहुंचती है, जहां भगवान के विवाह की रस्मों को पूरा किया जाता है। विवाह की सारी रस्मों के बाद भगवान की बारात श्री राम राजा मंदिर में वापस आ जाती है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। राम विवाह, चूंकि सनातन धर्म में राम जी जो है बुंदेलखंड में राजा बनकर के यहाँ रह रहे हैं और राम जी को यहाँ राजा के रूप में पूजा जाता है, उनके वैवाहिक उत्सव की तैयारियां कई महीने से की जाती है। ओरछा में संपूर्ण ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और राम जी के जब पारिग्रहण का समय आता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि गगन 4-10 भरा उछाऊ तो जनक सुता रघुबीर विवाहू। राम जी के विवाह का यहाँ भव्य रंग मंचन भी किया जाता है। राम जी को राजा बनाकर के उनकी पालकी में उनकी बारात जब निकलती है ढोल नगाड़ों के साथ, तो लाखों नर नारी उनके साथ नाचते गाजते झूमते हुए नए प्रधान पहन करके संपूर्ण नगर में घूमते हैं। राम जी का तिलकोत्सव का कार्यक्रम जानकी मंदिर में कराया जाता है, वहाँ पर बरातियों का बड़ा स्वागत भी होता है और राम जी का जब परिक्रमा लगा करके संपूर्ण नगर का और ओरछा जब अपने महल में पधारते हैं तब उनका पाणिग्रहण संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा आचार्यों के द्वारा कराया जाता है और राम जी को दूल्हा बना करके उनको सिंहासन पर नई पोशाक पर पहना करके बिठाया जाता है, फिर उनका तिलक किया जाता है। इसके बाद संपूर्ण नगर का जो है कच्चे भोजन का भंडारा भी यहाँ किया जाता है। सभी लोग आते उत्साहित हैं और सब लोग राम राजा के विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संपूर्ण नगर को जो है सजाया गया है। खाने में बनने वाला है, अपन 55-60 हजार आदमी को खाना बना रहे हैं। उसमें 2 सब्जी, आलू मटर टमाटर बैंगन टमाटर और बूंदी का रायता और बूंदी पूरी मूली का। क्या स्पेशल रहेगा इस बार राम जी की बारात की पंगत में? वैसे सभी स्पेशल है, भगवान की कृपा है। कितने लोगों का स्टाफ आपका लगा हुआ है? स्टाफ हमारा 70 भाई है, 33 लड़के हैं, 3 दिन चलेंगे जी। मंदिर प्रबंधन द्वारा जो 28 तारीख को जो शाम को बारात निकलनी है उसकी लगभग समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और आज कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उन तैयारियों का निरीक्षण किया गया। 3 बृहद रूप से जो तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, बाकी के 10 अलग से तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। 2 छतरी टाइप की जो नया उन्होंने बनाया है, जो टेंट जिसको ये टेंडर मिला है, उन्होंने 2 भव्य छतरियां का निर्माण भी किया है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है इस समय। और पूरे जो बारात का जो 2 किलोमीटर का लगभग मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रकाशमय और आकर्षक रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।